जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इवान पत्रा पे। और हम अब पहुंच चुके हैं जी शीरे आजम भगत सिंह जी के घर, एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ शीरे आजम सरदार भगत सिंह जी खटकर कला। ये आपको ये पंजाबी में लिखा, आपको पढ़ के बता रहा हूँ, शीरे आजम सरदार भगत सिंह जी का जद्दी घर, एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ सरदार भगत सिंह। ये पुरानी कल पुराना घर पहले जो पंजाब में घर होते थे वो ऐसे होते थे। हमारे भी जो पुराना घर था उसमें हम ऐसे ही लगवाता था दरवाज़ा, और ये दीवारें भी पुरानी है थोड़ा बहुत, इसको टाइम के हिसाब से ज़रूर वो इस पर सीमेंट वगैरह अप्लाई करते होंगे, पर दीवारें अभी भी पुरानी हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है वही, और ये घर है जी पुराना सीधे जहाँ पर जी। और ये देखिए ये बेड पड़ा हुआ है जद्दी, ये कमरा है एक पूरा, ये कमरा है ओके। और यहाँ पे है, यहाँ पे टेबल टूबल लगे हुए हैं, कोई रूम सा लग रहा है, ये ऑफिस टाइप लग रहा है पर देखने को बहुत। यहाँ पे मिट्टी है, एक मिनट, ऑफिस टाइप है घर ही। आइए आपको आगे से दिखाते हैं। यहाँ पे चरखा पड़ा हुआ है पुराना, जिसमें आटा पीस सकते थे, आटा पहले ऐसे पीसा जाता था, ये अभी भी पुराना वैसे ही। वो ऐसे स्विच बोर्ड ना पहले हमारे पुराने घर पे भी थे, पार्टीशन से पहले ऐसे ही होते थे, और बाबा जी ने एग्री किया, बाबा जी को पता है स्विच चीज़ के बारे में, ऐसे होते ना बाबा जी पहले बटन ऐसे ही। और ये दीवारें भी ऐसी हैं पुरानी पुरानी। ये पुराना कुछ सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, देख के तो मुश्किल लग रहा है क्या क्या है इसमें। गिलास हैं पुराने, और लालटेन है पुरानी, प्रेस पड़ी है नीचे, प्रेस है पुरानी कोयले वाली, लाइट पड़ी है, लाइट है, पंखा है पुराना तकड़ी में उधर, और उधर भी सामान पड़ा हुआ वो देखो, तकड़ी बट्टे वो तलवार है क्या तीसरे नंबर पे, तलवार ही है ना वो और इस साइड पे खटिया है जिसको आप मंजी भी कहते हैं। ये देखो जी ये चूल्हे पर, पिंडों में तो अभी भी चलता है ये सब, पंजाब के गांव में पिंडों में अभी भी चलता है सब कुछ। और ये बटन पुराने, ये तो मेरे घर पे भी लगे हुए थे पहले, अब नहीं लगते, ये भी वैसे की वैसे हवेली है पूरी। यहाँ पे जी फोटो शीदे आजम सरदार भगत सिंह जी, और साथ में चारपाई भी लगी हुई है, ये चरखा बाबा जी चरखा, वो देखिए क्या क्या पड़ा हुआ है वहाँ पे, चाय की केतली पड़ी है, लोटा पड़ा हुआ है, संदूक पड़े हाँ, इन सबको बहुत संभाल के रखा हुआ है और बंद कर रखा है कमरों को, ताकि अंदर जाएंगे तो आपको पता है चीज़ संभालने कितनी जरूरी है। बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं जी लोहे की पुरानियाँ, और साथ में शायद ये बाथरूम होगा ना उस टाइम पे, नहाने का भी साथ में लग रहा है कुछ ऐसा। और ये आगे आ जाते हैं, यहाँ पे भी बर्तन, ये मेरे को किचन टाइप लग रहा है, बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो पित्तल के बर्तन है ना ज़्यादा। और दरवाज़ा ये देखो, ये तो बाद में लगाया दरवाज़ा, ये अंदर वाला दरवाज़ा वही है, इसको रेनोवेट कर रखा है पेंट वगैरह करके, पर कुंडे कुंडे पुराने ही हैं सारे, तभी काफ़ी अच्छे हालत में ये घर है। आप देख सकते हो हवेली है पूरी की पूरी शीदे आजम भगत सिंह जी की, और ये सामने साथ में बिल्कुल मंदिर है, झंडा लग रहा है। ये देखिए ये दीवार है जी, और यहाँ पे भी एक छोटी सी खिड़की दे रखी है, इसका क्या वजूद है, एक क्यों है, अंदर से एक नज़र मारो तो घर दिखता है यहाँ से भी, अब कैमरे में आपको ऐसे दिखे ना दिखे पर हमें अंदर से ज़रूर दिख रहा है इस टाइम पर, यहाँ से दिखना मुश्किल है धूप की वजह से। और ये छोटी सी खिड़की है, इसका क्या उपयोग होगा, किस लिए होगी ये मेरे को नहीं पता, पर ये दीवारें भी सारी पुरानी हैं। यहाँ पे पानी पीने के लिए भी एक लगा हुआ कैंपर, वाटर कूलर, और कुआं, पुरानी हवेलियों में पंजाब की कुआं ना हो ऐसे हो ही नहीं सकता। वही देखिए ये कुआं है जी, पुराना कुआं, अब तो ऑलमोस्ट सभी कुएं बंद हो गए हुए हैं, कुएं वगैरह दिखते नहीं हैं। और ये यहाँ पे नाली है, ये नाली है जी पूरी की पूरी, उस टाइम पे हवेली बहुत कम लोगों के पास होती थी है ना बाबा जी,
ये ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ पे सफाई कर रहे हैं अंकल जी। ये ऊपर जाने का रास्ता है, ये बेड वगैरह लगा है, चार पाई लग रखी है। ये आज ये ऊपर लेके चलते हैं आपको। और यहाँ पे भी रास्ते में बोर्ड है, स्विचिंग बोर्ड। ये हम जा रहे हैं जी सरदार शहीद आजम भगत जी, भगत सिंह जी के घर के ऊपर। ओहो, पर यहाँ पे तो लोग लग रखा है। शायद यही वजह होगी कि पुराने घर हैं तो जो दीवारें वगैरह होती हैं, वो जो छत होती है वो काफ़ी पुरानी होगी। रिस्क फैक्टर रहता है एक एंसेस्ट्रल चीज़ को बचा के रखने का। और यहाँ पे छिपकलियाँ तो मिलती रहेंगी। और यहाँ पे भी बल्ब लगाने वाला भी पुराना ही है सारा। ऊपर जाने को मिलता तो अच्छा लगता है, बट कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। प्रोटेक्ट करना भी पुरानी चीज़ों को उतना ही ज़रूरी है। हाँ हाँ, और ये जी ऊपर का कमरा होगा, यहाँ पे खिड़कियाँ दिख रही हैं, वहाँ पे भी कमरा है ऊपर, एक दो दो कमरे ऊपर हैं। और यहाँ पे भी एक आपको स्विच बोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे भी स्विच बोर्ड है। ये बाबा जी किस चीज़ें किस लिए होती थी, ये जो गैप बनाया हुआ है? पहले काफ़ी घरों में होता था पुराना, ये खिड़की टाइप होती है ना। अच्छा, ऐसे हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं, अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से चढ़ के ऊपर जा सकता हूँ, पर ऊपर का रास्ता बंद है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे एक अंकल सफाई कर रहे हैं। ये ऊपर दो कमरे हैं, और घर काफ़ी हद तक वैसा का वैसा ही जैसा पहले के समय पे होगा। पूरे घर का ध्यान रखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। तो जितने भी गवर्नमेंट्स रही हैं उनका भी शुक्रिया कि पुरानी चीज़ को इतना ज़्यादा ध्यान से रखा हुआ है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके, कैसा फील है? तो यहाँ पे बाहर भी सिटी के देख सकते हो आप, बैठे यहाँ पे खड़े हैं भगत सिंह जी हवेली के बिल्कुल बाहर, एंसेस्ट्रल हवेली है ये। तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके लोग भी आ रहे हैं अपने बच्चों को लेके। तो यहाँ पे भी आ सकते हो, घूमने का बना सकते हो प्लान अगर आप बनाना चाहो। बहुत आपको अच्छा लगेगा, मन को एक बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग होगी एक इंडियन वाले, एक इंडियन हो गया, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर से मौसम ऐसा हो, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। तो ठीक है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी और आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ संपूर्ण शुभ। बाय बाय, जय हिंद।